आजाद नगर टीआई मनीष डावर द्वारा आरोपी को 72 घंटे तक बंद कर पीटने के मामले में मानवाधिकार आयोग ने लिया संज्ञान। नोटिस जारी कर 7 दिन में इंदौर डीआईजी से मांगा जवाब। टीआई पूर्व में पिस्टल चोरी के मामले में भी हो चुका है लाइन अटैच। वहीं थानों में कई बार पार्टियों में शामिल हुए लिस्टेड बदमाशों के फोटो वीडियो भी मानवाधिकार आयोग भेजे गए। मंगलवार को इंदौर पुलिस की छवि को खराब करने वाले टीआई मनीष डावर का मामला सामने आया था, जिसमें टीआई ने 1 लाख रुपए की मांग करते हुए एक आरोपी को 72 घंटे तक बंद कर जमकर पीटा था। आरोपी के पैरों के नाखून तक निकाल लिए थे, जिससे वरिष्ठ अधिकारियों ने पुलिस की छवि को धूमिल करने वाले टीआई को लाइन अटैच किया था और यह भी मैसेज दिया है कि पुलिस की छवि खराब करने वाले नहीं बचेंगे। इसी मामले में मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लेते हुए इंदौर डीआईजी को 7 दिन में जवाब मांगा है। वहीं टीआई के साथ थाने में लिस्टेड बदमाश की फोटो भी मानवाधिकार आयोग को दिए गए हैं, जिसमें दर्जनों अपराधों से लदे बदमाश टीआई को बधाई देने के साथ जन्मदिन व अन्य आयोजन में शामिल हुए हैं। किस तरह से मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लिया? कल एक क्षतिप्राप्त चैनल के माध्यम से मामला आया था, जिसमें आजाद नगर थाने पे एक कोई राजा राम करके अपराधी था, जिसको कई 72 घंटे से ज़्यादा पुलिस ने गिरफ्तार करके रखा था और काफ़ी बेरहमी से मारा गया था। जब ये मामला सामने आया तो मैंने ना केवल इसमें पहले थाने पर संपर्क करने की कोशिश करी, लेकिन जब उनने संपर्क नहीं हो पाया तो मैंने पूरे विषय की जो वीडियो है वो सब लेके जो मानवाधिकार के चेयरपर्सन है श्रीमान जस्टिस जैन साहब, उनको भेजी थी। और आज मुझे मालूम पड़ा है कि उनने नोटिस जारी करते हुए इसके प्रतिवेदन मांगा है डीआईजी से, और उसमें स्पष्ट लिखा भी है कि किसी अच्छे अधिकारी से इसकी जाँच करा के प्रतिवेदन भेजें, क्योंकि मैंने इसमें निवेदन किया है पहले भी पुलिस में, मैंने पुलिस के विरुद्ध जो मानवाधिकार ने जांच करी उसमें गोलमोल जवाब देकर कहीं ना कहीं ये पुलिस वालों को बचाते हैं। लेकिन मालूम पड़ा है कि अभी जो थाना प्रभारी उनको निलंबित कर दिया गया है, लेकिन मेरी मांग ये है कि थाना प्रभारी भी केवल निलंबन से काम नहीं चलेगा, क्योंकि उनने ना केवल मानवाधिकार का उल्लंघन किया बल्कि अपने कानून को भी हाथ में लिया है। उनको किसी भी तरीके से किसी भी व्यक्ति को मारने का या दंड देने का अधिकार नहीं है, तो उन पर भी कार्रवाई हो। साथ ही साथ जो इसमें जाँच अधिकारी थे, थाने के आला अधिकारी जो थे SI या फिर जो भी कॉन्स्टेबल थे, उन पर भी इस पर कार्रवाई होना चाहिए, ऐसी मेरी मांग है। क्या मानते हैं इस तरह से गंभीर मामले लगातार सामने आते हैं, पुलिस जो है उसमें गोलमोल करती है, मानवाधिकार आयोग को इसमें सख्ती बरतना चाहिए या किस तरह से आगे कार्रवाई होना चाहिए? बिल्कुल, अभी जो देखने में है लॉकडाउन के दरमियान ही पिछले तकरीबन 10 से 20 दिन में मेरी द्वारा 3 से 4 शिकायत मानवाधिकार के उल्लंघन की करी गई है, और तीनों चारों मानवाधिकार ने तत्कालीन 24 घंटे के अंदर इसके अंदर एक्शन भी लिया है। लेकिन कहीं ना कहीं एक ये जिम्मेदारी आला अधिकारियों की बनती है कि ऐसे गैर जो लापरवाही करते अधिकारी को बचाया ना जाए, और अगर इस प्रकार की घटनाएं होती है रहती है तो मैं देख रहा हूँ, अगर नहीं होता तो उच्च न्यायालय में संज्ञान लेके से जो पिटीशन दायर करने की मेरी तैयारी है। क्या कहा है मानवाधिकार आयोग ने, कितना समय दिया है DIG से, किस तरह से जवाब तलब? 20 तारीख तक का समय दिया है, और उस पर लिखा भी है कि किसी अच्छे स्तर के अधिकारी से जाँच करा के पूरा प्रतिवेदन 20 तारीख तक भेजा जाए। आपका नाम? अभिजीत पांडे, एडवोकेट, इंदौर।